आप चले जाओगे। आप जानते नहीं इन सिखों को, इनके गुरु ने अपने चार बच्चे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया। और ये जो दूसरे वाले हमारे वाले तो छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, इनसे बातचीत की जाती है, लड़ा नहीं जाता। लेकिन माने दो महीने बाद माफी मांग के कानून वापस की। जब कानून वापस कर रहे थे तो आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन अडानी को नुकसान ना हो जाए इसलिए एमएसपी आज तारीख तक लागू नहीं हुई है। और मैं राजस्थान के किसानों से कहूंगा, जब इनके यहाँ कोई भी बीजेपी का नेता जाए उससे पूछे कि किसान भी एमएसपी का मामला हल करा के लाए हो कि नहीं, और नहीं लाए हो तो कोई वोट नहीं देंगे, क्योंकि एमएसपी किसान के लिए बहुत जरूरी है। क्या इन विधानसभा चुनाव में किसान बहिष्कार करेगा? अब मैं नहीं कह सकता क्या करेगा, मैं तो कह ही सकता हूँ, बात ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से। मैं ये अपील करता हूँ किसान जाति पाति में ना बटे, एक हफ्ता होके किसान की तरह वोट करें और किसानों के सवालों पे करें। अगर बीजेपी एमएसपी का वादा, उनके घोषणा पत्र का मैंने देखा जो उन्होंने निकाला है, उसमें एमएसपी का जिक्र भी नहीं। तो अगर ये एमएसपी नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ वोट करें। तो अगर 2024 में दोबारा से नरेंद्र मोदी आ जाते हैं केंद्र में आ जाते हैं तो हम तो जेल में होंगे, लेकिन ऐसा बुरा दिन अभी देश का आया नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिल्कुल नहीं आएंगे जेल में। तो होंगे आप क्यों होंगे जेल में? मैं उनके दुश्मनों की लिस्ट में नंबर एक हैं, जो मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ। आप तो करीब दोस्त रहे हैं मुझे ना, कभी रहा हूँ, कोई एक वक्त था जब रहा हूँ, अभी निशाने पर रहा। निशाने पर मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। जिस गवर्नर ने 370 हटाई हो, जो कश्मीर में रहा हो, उसकी तो मरते दम तक सिक्योरिटी विड्रो नहीं होती है। जगमोहन जी को मरते दम तक 40 लोग थे सिक्योरिटी के। अभी जो मेरे से पहले गवर्नर थे वोरा साहब, 70 लोग हैं उनकी सिक्योरिटी में, मेरी सिक्योरिटी में एक सिपाही है, और खुला छोड़ दिया मुझे मरने के लिए। हालांकि मैं, मेरे पे कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार में मोदी जी और अमित शाह जी की रही। वहां से तो मैंने चिट्ठी भेजी लेकिन बैठे। और बड़ी बात यह है, महबूबा कहती थी खून की नदियां बह जाएंगी, सब लोग डरे हुए थे पूरे देश में, पता नहीं क्या, चिड़िया भी नहीं बोली, कुछ नहीं हुआ, पीसफुली हट गई। क्या कहकर हटाई आपकी सिक्योरिटी? कुछ नहीं, कहने की जरूरत नहीं होती, तो मालिक है। पुलवामा का क्या सच है? पुलवामा का सच ये है कि पुलवामा इन्होंने नहीं कराया था, मैं ऐसा नहीं गलत बात बोल रहा, पुलवामा इनकी लापरवाही से हुआ। इनको एयरक्राफ्ट दे देने चाहिए थे 5, तो पुलवामा नहीं होता। और आज तक उसकी जांच नहीं हुई, क्यों नहीं दिए थे आपने एयरक्राफ्ट? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि इन्होंने कराया, जिम्मेदार तो है वो, अगर वो एयरक्राफ्ट दे देते तो नहीं होता। राजस्थान में चुनावी साल में आपका दौरा? मैं तो आता रहता हूँ राजस्थान, प्रेस नहीं करता हूँ, और बार जांच होकर कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। हम आए ताकत में तो हम करेंगे। क्या कोई स्कोप है कि आपका बीजेपी नरेंद्र मोदी का पेपर? नहीं, वो मेरा नरेंद्र मोदी से कभी टचअप नहीं हो सकता। आप भी अभी कह रहे थे कि गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी अच्छे थे दिल्ली में आते ही खराब हो गए, तब आपके ऐसा क्या कारण हुआ है? दिल्ली डॉक्टर लोहिया लिख के गए हैं, उनकी किताबें आप पढ़ें कि दिल्ली मनुष्य को नष्ट कर देती, उसको लालची अय्याश रुपए पैसे की तरफ आकर्षित होना होने वाला बना देती। ये जब वहां थे गुजरात में तो इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी लागू होना चाहिए, और अब ये एमएसपी के खिलाफ है। मोदी जी तो ये कहते हैं कि वापस से रात को सोने की चिड़िया बना तो दिया। जितना जब ये आए थे कर्जा था उसका 3 गुना कर्जा है देश के ऊपर। आज डॉलर का क्या हो रहा है? दिल्ली की जो इसके केजरीवाल, वो ठीक काम कर रहे हैं बेचारे, उनके सारे लोगों को जेल भेज रहे हैं, धमका रहे हैं,
ईडी भेज रहे हैं, किसी को कुछ भेज रहे हैं, लेकिन वो नेक नियत लोग हैं इन जनरल। सर क्या एक बड़ा सवाल, राजस्थान में आप हैं, क्या गहलोत की गारंटी का सपोर्ट करें लोग या मोदी के खिलाफ वोट करें, क्योंकि चुनाव सीजन है यहाँ? नहीं, गहलोत की गारंटी और गहलोत के जो रिसेंटली उसने प्रोग्राम किए हैं जिसमें खासतौर से स्वास्थ्य बीमे का है, वो अच्छे प्रोग्राम है, लोगों में वो पसंद किए जा रहे हैं। चुनाव के समय में ईडी की दस्तक राजस्थान में कई जगह देखने मिली, वो तो आप समझिए कि जो उनके खिलाफ बोलेगा या खिलाफ दिखेगा उसी के ईडी भेज देंगे।